मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वांशीज वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। ये मैंने लाल मिर्च ली है बाजार से, अभी इनका सीज़न चल रहा है और ये बहुत ही टेस्टी होती हैं, थोड़ी सी तीखी होती हैं और बहुत ही टेस्टी इनका अचार बनता है। तो ये मैं आज अचार आपको सिखाऊंगी बनाना, और बहुत ही ईजीली बन सकता है, कोई भी बना सकता है, इवन जिनको कुकिंग नहीं आती वो भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रिपरेशन है। तो देखिए, मैंने धो के साफ़ कर ली है ये लाल मिर्च और ऐसे बीच में से चीरा लगा दिया है। और ये जो बीज हैं, अगर आपको तीखा कम चाहिए तो आप ये बीज निकाल दीजिए, और अगर आप तीखा खाते हैं मेरी तरह तो ये बीज अंदर ही रहने दीजिए। मैंने इनको धो के सुखा लिया है, कपड़े से पोंछ लिया है अच्छे से, पानी नहीं होना चाहिए ऊपर। और ये मैंने पाव भर लाल मिर्च ली है, आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये टेस्टी और तीखा लाल मिर्च का अचार बनाना। तो देखिए, बस उसके लिए कुछ स्पाइसेस चाहिए हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये लिया है मैंने धनिया, ये मैंने 2 टेबल स्पून धनिया ले लिया है, साबुत धनिया। ये 1 टेबल स्पून कलौंजी ले ली है साइड में मैंने। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया है ये पीली सरसों ली है, कूट के रख ली है मैंने पीली सरसों। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जीरे का ले लिया है, मैंने 1 से 1.25 चम्मच ली है राई, और इसके साथ साथ मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सौंफ ले ली है, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब ले ली है दाना मेथी। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, तो यहाँ पे मैंने 1.25 चम्मच के करीब नमक ले लिया है, 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ले लिया है, और बिल्कुल चौथाई चम्मच या 2-3 चुटकी के करीब मैंने यहाँ हींग ले ली है। तो ये हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे अचार का मसाला बनाने के लिए। आप चाहें तो वैसे बाजार का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर का मसाला बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने मिक्सर ले लिया है और इसके अंदर पहले हम धनिया डाल देंगे। धनिया कभी कभी मोटा होता है अचार में, तो वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं जो मुंह में आने वाले मोटे मसाले हैं उनको थोड़ा सा पहले हल्का सा दरदरा पीस लूँगी, ताकि वो बिल्कुल ही बड़े बड़े पीस ना रह जाए उनके। तो यहाँ मैंने धनिया ले लिया है, इसके साथ मैं दाना मेथी भी ले लूँगी। इसका टेस्ट वैसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा पीस आपके मुँह में आए तो थोड़ा सा कड़वा लगता है। और इसके साथ साथ मैं ज़ीरा भी ले लूँगी, और ये तीनों जो स्पाइसेस हैं हमारी, ये इनको एक बार हल्का सा दरदरा हमें पीस लेना है। तो ये मैंने जीरा, धनिया और दाना मेथी ले ली है, और इन तीनों को पहले एक मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए व्यूवर्स, ये मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और दरदरा ही पीसा है इनको, तो इस तरीके से ये दरदरा पीस लिया है मैंने। अब इसके बाद ये जो बाकी सारे स्पाइसेस हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और बस इसके बाद ये सौंफ है हमारी, राई है, नमक, हल्दी, और हमारा जो ये हींग का पाउडर है, और ये हमारी पीली सरसों है, ये सब अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। कलौंजी भी इसमें डाल देंगे साथ के साथ। ये बहुत ही टेस्टी मसाला है, आप इसको ऐसे भी पीस के रख सकते हैं, आप इससे काफ़ी अच्छी टेस्टी सब्जी भी बना सकते हैं। आप इसको डब्बे में पीस के रख दीजिए मसाले को, और थोड़ी सी कोई हल्की सी फ्राई कर लीजिए सब्जी, उस पर 2 से 3 चुटकी ये वाला मसाला डाल दीजिए, आपको विश्वास नहीं होगा कितनी टेस्टी आपकी सब्जी बन जाएगी, और अचारी टेस्ट वाली सब्जी बन जाएगी। तो ये टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छी सब्जी तैयार हो जाएगी। मैं कई बार इस तरीके से मसाला पीस के रख देती हूँ डब्बी में, और बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी बन जाती है। तो देखिए, इसको मैंने हल्का सा ब्लिट्स कर लिया है, और ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा पाउडर तैयार हो गया। ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, दरदरा पाउडर है। आप चाहे तो वैसे होल स्पाइसेस भी रख सकते हैं, इसको कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इस तरीके से पसंद है, तो मैंने इस तरीके से इसको पीस लिया है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे हम, और ये देखिए फाइनल ऐसा प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको आप डब्बे में भर के रखिए सेपरेट, याद रखिए बस इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, ये हमारी मिर्चें जो हमने धो के साफ़ कर ली थी और कपड़े से पोंछ ली थी, इसके बीच में जो है मैंने चीरा लगा दिया था, इसमें हम 1 चम्मच के करीब इसमें मसाला भर लेंगे। अच्छे से मसाला भरिए ताकि टेस्ट अच्छा डेवलप हो इसका। इस तरह के मसाले से मैं हमेशा घर में मसाले वाले आलू बनाती हूँ, बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, तो टिफ़िन में मैं इस तरीके से अचारी आलू बना के देती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किसी दिन मैं आपको वो वीडियो भी दिखा, अचारी आलू बना कैसे बनाते हैं। तो
तो व्यूवर्स देखिए मैंने ये सारी मिर्चें ऐसे भर ली हैं और सारा मसाला मैंने इसमें भर लिया है। और ये हमारी मिर्चें तैयार हो गई है अचार बनाने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक हो गई हैं मसाले से। और जब जब ये मसाला पक जाएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने कांच की बरनी ले ली है, कांच का जार ले लिया है और इसके अंदर मैं ये मिर्च का अचार भरूंगी। इसको भी मैंने धूप में सुखा लिया है, इसको धूप में सुखा लीजिए या अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। और इसमें हम ये सारी की सारी मिर्चें हैं ये भर लेंगे। आपको ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा लेकिन हमको मिर्चों को दबा दबा के भरना है, क्योंकि मिर्चें वैसे भी थोड़ा सा कम हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी मतलब जब अचार बनेगा। तो ये मेरे को लगता है कि ये देखिए भर गया है अच्छे से, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पैक कर लिया है और मिर्चें इसके अंदर भर लिए। थोड़ा दबा के भरिए, अच्छे से भर दीजिए इसको और ये रेडी है हमारा। आइए अब हम तेल गरम कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है छोटा सा, और हमको थोड़ा सा ही तेल चाहिए पाव भर मिर्च के लिए, और मैंने गैस चालू कर दी है। और देखिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों का तेल इस अचार के लिए बेस्ट है। आप चाहें तो वैसे दूसरा कोई तेल भी ले सकते हैं लेकिन मुझे सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है, अचार में सरसों का तेल बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं आधा कप के करीब सरसों का तेल ले लूँगी, 50 ml देखिए ले लीजिए सरसों का तेल। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको गर्म करना होगा, याद रखिए सरसों का तेल आप गर्म करके धुआं निकल जाए उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे फिर स्मेल नहीं आएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। देखिए ये धुआं निकल गया है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। और जब ये अब गुनगुना हो जाए हमारा, बिल्कुल गुनगुना टेम्परेचर हो जाए इस तेल का, तब हम इसको मसाले में डाल देंगे। तो देखिए व्यूअर्स हमारा तेल है जो वो गुनगुना हो गया है। अब ये जो हमने जार मिर्चों से भर के रखा था इसके अंदर हम ये तेल डाल देंगे, और धीरे धीरे तेल डालिए ताकि अंदर तक तेल इसके पूरा चले जाए, मिर्चों में पूरा अंदर तक तेल भर जाए इसका। और ये अचार बहुत ही अच्छा है टिफ़िन के लिए, आपका ये बहुत लंबे टाइम तक अचार चल जाएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है देखिए बनाना, इसमें कोई ज़्यादा मैथ्स नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। और देखिए अचार में मैंने तेल डाल दिया है, अब इस डिब्बी को मेरे को 2 दिन एटलीस्ट धूप में रखना पड़ेगा और ये फिर हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। 2 दिन में मिर्ची आपकी सिक जाएंगी धूप में और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है और बहुत ही अच्छा अचार बनता है। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर मोर सच रेसिपीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ है हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।